नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज तारीख है 20 जनवरी की और यह एक ऐतिहासिक दिन माना जाता है अमेरिका के लिए, क्योंकि हर 4 साल के बाद जब चुनाव होता है उसके बाद आज ही के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। और ऐसा माना नहीं, ऐसा प्रूव्ड है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सबसे पावरफुल माने जाते हैं, दुनिया के सबसे पावरफुल माने जाते हैं। आज जो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं उनका नाम है जो बिडेन। साथ ही साथ ये भी बताएं कि वो 46th प्रेसिडेंट होंगे, और अगर प्रेसिडेंट की बात करूँ तो 4 सालों का उनका कार्यकाल होता है। तो आदेश जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, और आदेश जी आपको बताएंगे कि क्यों अमेरिका के लिए ये दिन और पूरे दुनिया के लिए ये दिन ऐतिहासिक होता है, और क्यों अमेरिका के प्रेसिडेंट को सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है दुनिया में। देखिए, मैं बता दूं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद से अमेरिका जो है एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरा पूरे दुनिया में जी। और सभी क्षेत्र में देखें तो आप इकोनॉमी में, फिर से वार युद्ध में, सैनिक शक्ति में, सब चीज़ में अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल, हाँ सब चीज़ में पावरफुल है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है जी। और इस कारण जो है वहाँ के राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया के हर एक देशों में उनका डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है, वो परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ते हैं, उनकी विदेश नीति जो है वो काफ़ी प्रभावी होती है, जो कि दूसरे देशों को ध्यान में रखना पड़ता है। ये तो है कि देश को शक्तिशाली होने के कारण वो शक्तिशाली राष्ट्रपति हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बता दें कुछ उनको संवैधानिक भी शक्तियाँ मिली हुई हैं, जिसके कारण भी वो दुनिया के सबसे मजबूत राष्ट्रपति हो जाते हैं। वीटो का अधिकार दिया गया है, वीटो पावर उनको, ऐसा एक अधिकार अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति को दिया हुआ है। जब वीटो राष्ट्रपति लगा देते हैं तो पूरा संसद का कानून से लेके सारा देश एक तरफ और राष्ट्रपति एक तरफ, और बात जो है वो राष्ट्रपति का ही पालन किया जाएगा। तो वीटो शक्ति मिलने के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। यह दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगी। आज वैसे वॉशिंगटन डीसी में शपथ ग्रहण करेंगे वो, और इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस बार का चुनाव काफी मतलब इंटरेस्टिंग रहा, अलग रहा, कैसे? देखिए, बता दूं मैं आपको कि 244 सालों से जो अमेरिका की डेमोक्रेसी है वो चल रही है, और अभी तक वहाँ पर काफ़ी शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से सत्ता का हस्तांतरण दूसरे को हुआ है। मूलतः दो पार्टी है, रिपब्लिकन है, डेमोक्रेट है, और इनों के बीच, इन दोनों के बीच ही जो बिडेन किस पार्टी से हैं? ये डेमोक्रेट पार्टी से हैं, जिससे ओबामा थे, बिल क्लिंटन थे, उस पार्टी से हैं। लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग ये रहा कि रिपब्लिकन के जो वर्तमान राष्ट्रपति अभी डोनाल्ड ट्रंप जो थे, उन्होंने चुनाव के बाद चुनाव नतीजों को मानने से इनकार कर दिया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि अभी चुनाव अभी बाकी है, और उनके जो समर्थक हैं वो लगातार इस चुनाव का विरोध कर रहे थे, और जो संसद भवन वहाँ का जो है कैपिटल हिल, वहाँ पर उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक खूनी संघर्ष भी किया, एक ऐसा धरना प्रदर्शन चला, विरोध चला, जिसमें पुलिस फायरिंग हुई और उसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो सत्ता हस्तांतरण करने से इनकार कर दिया था। लेकिन मैं बता दूं कि अभी मैं देख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को आज शुभकामना दी है, जबकि 7 नवंबर को वो डिक्लेयर हो गया था कि अगले राष्ट्रपति वही हैं, लेकिन उन्होंने आज शुभकामना दी है, तो इसलिए स्पेशल। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, जो बाइडेन जो है अमेरिका के सबसे अधिक उम्र वाले राष्ट्रपति होंगे, 78 साल के, इतना उम्र वाला कभी भी वहाँ का राष्ट्रपति नहीं बना हुआ है। तो ये उनके साथ एक स्पेशल चीज़ जुड़ा हुआ। और मैं कुछ बता दूं कि जो बाइडेन के सामने जो प्रॉब्लम, चुनौतियां क्या होने वाली है, सबसे बड़ी चुनौती तो है कोरोना से निपटना। 385,000 अमेरिकी मारे जा चुके हैं कोरोना के कारण, और हर एक सप्ताह 1,00,000 नए मामले आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो इनको निपटना होगा। दूसरा चीज कि जो चाइना से चल रहा है उनका आर्थिक युद्ध, जो कि ट्रंप के समय में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका था, और एक तरह से दोनों जो हैं इनडायरेक्टली वार के सिचुएशन में आ चुके थे, वो उसे रिलीज करना होगा। फिर से जो है ईरान के साथ जो बाइडेन अपने रिलेशन को सॉफ्ट करना चाहते हैं, जबकि ट्रंप जो है वो कड़ाई के साथ पालन किए हुए थे, सऊदी अरब का साथ दिए हुए थे। बाइडेन के इस चुने जाने से सऊदी से उनके संबंध जो है वो कड़े हो सकते हैं। ये कुछ हैं जो कि उनको चुनौती है, और भारत के साथ
वो हमेशा दोस्त की तरह ही रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है था कि मजबूरी हाँ, है उनके लिए। भारत के साथ उनका कैसा रिलेशन है, क्योंकि बाकी राष्ट्रपति के बारे में भी आप बता दीजिए, जानकारी दे दीजिए कि कैसा संबंध है भारत के साथ जो बिडेन का खास तौर से, और उसके पिछले राष्ट्रपति जितने रहे हैं उनका कैसा संबंध था। देखिए मैं बता दूं आपको कि अभी मैं फिलहाल बता रहा हूं कि अभी जैसे कि बिल क्लिंटन से भारत का संबंध अच्छा होना शुरू हुआ था, और उसके 2000 के बाद से ही अमेरिका का जो एक दक्षिण एशिया में जो स्ट्रेटजिक पार्टनर जो है वो पाकिस्तान के बाद भारत बन गया। और डेमोक्रेट के ही थे ओबामा, उनसे भी अच्छा संबंध रहा भारत का। हालांकि रिपब्लिकन के जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे तो उनसे ही 1-2-3 एग्रीमेंट जो परमाणु असैन्य परमाणु समझौता जो है वो संबंध कायम हुआ था। और ट्रंप से भी हम देखें ही अच्छा संबंध अच्छा आए, तो ले देकर यही लबोलुआब है कि बिना भारत को साथ लिए हुए अभी किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति का विश्व में अपनी शक्ति को बरकरार रखना संभव नहीं है। तो जो जो बाइडेन का भी जो है वही रणनीति रहेगा, भारत के साथ मित्रतापूर्ण संबंध और सहयोग का रिलेशन रहेगा। हमने देखा है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति आते थे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो बहुत तैयारियां की गई थी। मैं ये जानना चाहती हूँ और आप ये लोगों को बताइए कि भारत में कौन कौन से राष्ट्रपति अमेरिका के यहाँ आ चुके हैं। हाँ मैं इसके बारे में बताऊं, लेकिन सबसे पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट खबर बता दूं कि ये भारत के लिए इसलिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि भारत की जो है अमेरिकी मूल की नागरिक कमला हैरिस वो उपराष्ट्रपति बन रही हैं, और ये बहुत बड़ा चीज़ है। और एक और मैं फैक्ट बता दूं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन जो आज ऐतिहासिक भाषण देंगे शपथ ग्रहण के बाद, उसे भारतीय मूल के ही अमेरिकी नागरिक विनय रेड्डी ने तैयार किया है। और आप समझ लीजिए कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति और अमेरिका के नए राष्ट्रपति का पाला दुनिया और देश के लिए जो भाषण होगा, जो संबोधन होगा, उसे एक भारतीय ने तैयार किया है, विनय रेड्डी ने। और आपने प्रश्न किया कि कितने राष्ट्रपति अभी तक आए हुए हैं, तो बता दूं मैं कि अभी तक जो है 6 राष्ट्रपति 7 बार आए हुए हैं। एक बराक ओबामा अपने कार्यकाल के समय में 2 बार आए हुए। बराक ओबामा ने तो बहुत सारे भारतीय खासतौर से बिहारियों को अपने व्हाइट हाउस में इनवाइट भी किया था। सबसे पहले बता दूं मैं कि डी आइजनहावर 10 दिसंबर 1959 को आए थे, उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश के, लेकिन उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था और भारत की जो नजदीकियां है वो USSR से ज्यादा थी, तो इसलिए वो संबंध जो था वो ज्यादा प्रगाढ़ फॉर्मल था। हाँ फॉर्मल था। उसके बाद है रिचर्ड निक्सन है जो कि 1969 में आते हैं, और उसमें इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और 60 घंटे लगभग वो भारत में अपना बिताते हैं। उसके बाद आते हैं जिमी कार्टर 1978 में, उस समय मोरारजी देसाई जो थे वो जनता पार्टी से देश के प्रधानमंत्री थे, और जिमी कार्टर हाँ 1 जनवरी के दिन वो आए थे। और उनके बारे में एक आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूँ कि उस समय वो हरियाणा के दौलतपुर गाँव में घूमने गए थे जिमी कार्टर, और वो इसलिए गए थे क्योंकि उनकी माँ जो थी वो पीस कॉर्प वॉलंटियर में काम किया करती थी, और वो हरियाणा हमेशा आती थी, हरियाणा के दौलतपुर गांव के मुखिया के पास हमेशा अक्सर आया जाया करती थी। और यही कारण था कि अमेरिकी राष्ट्रपति 1978 में आते हैं तो हरियाणा के दौलतपुर गांव में जाते हैं, और उस समय जो है एक गांव को टीवी सेट भेंट करते हैं। और उसके अलावा बता दें कि देखिए वहां के लोगों का इतना उनके लिए समर्पण प्यार देखिए कि उस गांव का नाम दौलतपुर के बाद से कार्टरपुर हो गया। उनके आने की वजह से उनका नाम जो है कार्टरपुर दौलतपुर गांव का नाम हो गया। उसके बाद हम बात करें आगे 1978 के बाद बहुत लंबा समय रहा, बिल क्लिंटन मार्च 2000 में भारत आए, और उनका ये जो भारत आए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो उनका जो है पाकिस्तान सेंट्रिक से हटके अमेरिका जो है भारत सेंट्रिक हो गया दक्षिण एशिया के मामलों में, और उसके बाद संबंध जो है काफ़ी प्रगाढ़ होते चले गए। और बता दें बिल क्लिंटन का 5 दिवसीय दौरा था, वो दिल्ली के अलावा आगरा, जयपुर, हैदराबाद, मुंबई में गए, और काफ़ी अच्छा समय बिताया उन्होंने। आगरा का ताजमहल भी गए अपनी बेटी के साथ घूमने के लिए। 2006 में आते हैं जॉर्ज बुश आपको बता दें कि अमेरिका के बहुत ही एक तरह से दबंग राष्ट्रपति रहे हैं, और निक्सन के बाद सबसे कम समय के लिए मात्र 23 घंटा ही हुआ है वो इंडिया में, और वो हैदराबाद के एक विश्वविद्यालय में भी एक कार्यक्रम में गए हुए थे। और 6ठे राष्ट्रपति होते हैं आपको बता दें कि बराक ओबामा, जो कि 2 बार आते हैं, एक बार नवंबर 2010 में जब ये उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे,
और निक्सन के बाद 1969 में निक्सन आए थे इंदिरा गांधी समय में, उसके बाद बराक ओबामा दूसरे ऐसे राष्ट्रपति होते हैं जो अपने प्रथम कार्यकाल में आते हैं, कि यानी कि पहले 4 साल के कार्यकाल में आते हैं, नहीं तो बाकी लोग जितने आए थे वो दूसरे कार्यकाल में। और एक डोनाल्ड ट्रंप भी होगा जो कि पहले कार्यकाल में आए थे, 3 राष्ट्रपति ऐसे हो गए। और सबसे बड़ी बात, 2015 के गणतंत्र दिवस में पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस का अतिथि बना, और वो थे बराक ओबामा, दूसरी बार आए थे और वो बने थे। और फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप, जो कि अहमदाबाद आए थे डोनाल्ड ट्रंप, काफी भव्य स्वागत हुआ था। और अब नरेंद्र मोदी के साथ दोनों प्रधान राष्ट्रपति, चाहे वो ओबामा हो चाहे वो ट्रंप, काफी नजदीकी संबंध रहे। तो ये था अभी तक का उनका ये। और एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि 1991 राष्ट्रपति जो है वो 4 साल का कार्यकाल होता है, और 1951 में 22वां संविधान संशोधन किया गया, और उसके बाद नियत कर दिया गया कि एक राष्ट्रपति जो है वो 2 बार ही बन सकता है, तो 8 साल का कार्यकाल होता है। और एक और मैं फैक्ट बता दूं आपको कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक पार्टियों का एक अपना निर्णय है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो जाता है, अगर वो हार जाता है तो पार्टी उसे कभी नहीं दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसे नहीं खड़ा करती, खड़ा नहीं कर सकती। हाँ, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी कभी भी खड़ा हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि आज के डिस्कशन में इतना ही, भारत के लिए भी एक बड़ा दिन है, बहुत बड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली रिलेशनशिप अच्छा रहेगा अगर कंट्री से, दूसरे कंट्री से, तो विश्व में हमारा नाम होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपको हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक इन्फॉर्मेशन के साथ, स्टूडेंट की खबरों के साथ, तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।